ये देखिए फ्रेंड्स कितना डिलीशियस और फुली ये राजगीरा पूरी है। बहुत ही डिलीशियस फास्ट में खाई जाने वाली पूरियां हैं ये। आप वैसे भी खा सकते हैं लेकिन जनरली इसको फास्टिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैंने बनाया है इसको, आप भी इसको ट्राई कीजिए। चलिए बनाते हैं राजगीरा पूरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको बनाने बता रही हूँ राजगीरा पूरी, जो बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी होती है। इसके लिए मैंने एक कप राजगीरा का आटा लिया है। मैंने एक आलू लिया है जिसको बॉईल करके इसको मैंने ग्रेट करके रेडी रख लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे और आधा चम्मच चिल्ली पाउडर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसका आटा रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले आटे में हम डालेंगे चिल्ली पाउडर। आलू डालेंगे कद्दूकस किया हुआ, हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसमें डालेंगे सेंधा नमक टेस्ट के अनुसार और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच जीरा, जिससे बहुत ही टेस्टी पूरियाँ बनती हैं। जीरा ऐड कर देंगे और इसका डो बना लेते हैं। पूरी के लिए जैसा कड़क डो बनाते हैं वैसा डो बना के रेडी रख लेंगे। बहुत फटाफट बनती है ये और बहुत ही टेस्टी लगती है इसकी पूरी। ये देखिए हमारा आटा बनके तैयार हो गया है। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया है, आलू के मॉइस्चर में ही आटा हमारा बन गया है। अगर आपको लगे तो आप हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं, आलू के मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है। जब तक हमारा तेल या घी में हम इसको बना सकते हैं, फ्राई करेंगे, तो जब तक हमारा घी या तेल गर्म हो रहा है तब तक हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। ये 5 मिनट हो गए हैं हमारा आटा रेस्ट होके। अब इसकी लोइयां बना के रख लेते हैं। अरे मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हमारी लोई बनके तैयार हो गई है और अब इसको बेल के रखते हैं। इसको बेलने के लिए मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है, आप कोई भी शीट ले सकते हैं, सिल्वर फॉइल भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अभी इसमें एक लोई ले लेंगे और हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको हाथ से प्रेस करेंगे। देखिए हमारी पूरी, मैंने इसको दबा दबा के पतला सा बेल लिया है और अब इसको उठा के गरम तेल में हम फ्राई कर लेंगे। यह हमारा ऑयल गरम हो गया है और अभी हम इसमें पूरी डाल देंगे। और इसको फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे दोनों तरफ से। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई हमारी पूरी। इसी तरीके से सारी पूरियां तल लेते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म राजगीरा की पूरी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी बनी है और बहुत ही जल्दी बनती है। फास्टिंग में बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए राजगीरा की पूरी आपकी कैसी बनी है। राजगीरा की पूरी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन भी दबाना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।